ठीक है, ओके चलो ठीक। देखो स्टार्ट करते हैं, हमने करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी किया था, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, शीट नंबर 39 थी ये कभी आपकी, और अभी नहीं करना। अभी क्या है कि मैंने ये बताया था जो करंट होता है वो डी क्यू बाई डी टी होता है। फिर इसके अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉनिक करंट को हम डिस्कस करेंगे और एक कन्वेक्शनल करंट है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट करंट की डायरेक्शन को लेते हैं। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि अगर करंट और एरिया का ग्राफ है और अगर आप एरिया निकाल दें, करंट और एरिया के अंडर एरिया निकाल दें, तो वो आपको चार्ज देगा क्यू, चार्ज देगा क्यू। फिर हमने करंट डेंसिटी की थी, दैट इज करंट डिवाइडेड बाय एरिया, क्रॉस सेक्शनल का एरिया। करंट डेंसिटी में ये कुछ मैंने कॉम्पिटिशन की कुछ प्रॉब्लम बताई थी, ये एनसीईआरटी के लिए नहीं है। फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की थी इन टर्म्स ऑफ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और ऐसी हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की थी आई बाई एन आई, ये दो रिजल्ट हमने किए थे। तो ये दोनों के दोनों का प्रूफ आपकी बुकलेट के अंदर था, येलो कलर की बुकलेट है। ओम लॉ का प्रूफ किया था, दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इक्वेट करके ओम लॉ आया था, वहां से रेजिस्टिविटी और ये सब चीजें आई थी। ओम्स लॉ को हम ऐसे भी लिखते थे, जे इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई, तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई। इसका प्रूफ ऐसे किया था, वी इज इक्वल टू आई आर, आर इज इक्वल टू वी बाई आई, आर क्या होता है रू एल बाई ए, आई और ए एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, करंट बाई एरिया क्या होता है जे। तो प्रूफ हो गया जे इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ई। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक, जिसका प्रूफ भी आ जाता होता है एनसीईआरटी में। इसके बाद हमने कुछ ऐसे कुछ क्वेश्चंस किए थे आर इज रो एल बाय ए पे, कि अगर एक वायर है, वायर को हमने खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया और हमने एन टाइम्स उसकी लेंथ कर दी, तो उस केस में उसकी जो रेजिस्टेंस वो एन स्क्वायर टाइम्स हो जाती थी। तो हम पहले वॉल्यूम को इक्वेट करते थे, रेडियस का रिलेशन निकालते थे, फिर रेजिस्टेंस को लिखते थे रो एल बाय पाई आर स्क्वायर, नई रेजिस्टेंस रो एल डैश बाय पाई आर डैश स्क्वायर। तो यहां से आर डैश की जगह नई जो है आर डैश की जगह आर बाय एन, और जो नई लेंथ है वो एन टाइम्स एल, तो डिवाइड करते थे रेजिस्टेंसेस को, तो एन स्क्वायर आर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आर डैश इज एन स्क्वायर आर। तो ऐसे इसके बेस पे और भी क्वेश्चन है कि स्ट्रेच करने वाली प्रॉब्लम्स, तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें डायरेक्ट रिजल्ट लगता था। जैसे एक वायर है जिसकी रेजिस्टेंस 16 ओम है, इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू द वायर ऑफ हाफ द लेंथ, लेंथ आधी कर दी, रेजिस्टेंस बताओ नई वायर की क्या होगी। रेजिस्टेंस 16 ओम है, वॉल्यूम लेकिन सेम रहेगा आधी करने से भी, तो वॉल्यूम सेम करके आर डैश की वैल्यू आ गई, पुरानी रेजिस्टेंस नई रेजिस्टेंस, यहाँ पे एल बाई टू करके आर डैश की जगह जो है यहाँ पुट कर देना आर स्क्वायर इंटू टू, डिवाइड करेंगे तो नई रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड, वहां से परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस आ जाएगी। फिर इसके बाद हमने कलर कोडिंग की थी, वो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है एक नंबर का, तो कलर कोडिंग। उसके बाद कलर कोडिंग्स के कुछ एग्जाम्पल थे। फिर शीट नंबर जो नेक्स्ट है 40 नंबर शीट, इस शीट में टेम्परेचर डिपेंडेंस बताया गया है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो टाउ की वैल्यू इसमें कम हो जाती है, क्योंकि कोलिजन का टाइम इसमें कम हो जाता है, तो अगर टाउ कम होगा तो फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होती है, ये हमने डिस्कस किया। कैसे इंक्रीज होती है, आर ऑफ टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये रिजल्ट हमने किया। रेजिस्टिविटी कैसे इंक्रीज होती है, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। फिर हमने ग्राफ देखे थे किसके, ये ग्राफ है जिसमें रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का ग्राफ है कॉपर का, और सेकेंड ग्राफ है रेजिस्टिविटी नाइक्रोम का, तो ये दोनों ग्राफ्स है कॉपर का और नाइक्रोम का रेजिस्टिविटी का। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर्स में रेजिस्टिविटी बढ़ कम हो जाती है, कंडक्टर्स में बढ़ती है रेजिस्टेंस, सेमीकंडक्टर्स की कम होती है, ये रिजल्ट हमने इसमें किया। और हमने किया था कि कोफिशेंट ऑफ जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर्स के लिए पॉजिटिव होता है, सेमीकंडक्टर में नेगेटिव होता है, क्योंकि रेजिस्टिविटी कम हो जाती है सेमीकंडक्टर्स में। तो कैसे कम होती है, ये ग्राफ है, रेजिस्टिविटी देखो कम होती जा रही है टेम्परेचर के साथ फॉर अ सेमीकंडक्टर, ये ग्राफ याद रखना है। फिर इसकी थ्योरी सुपरकंडक्टर्स कैसे बनते हैं ये सब बताया था, ये इतना कोई खास नहीं है, बाकी इसके न्यूमेरिकल थे रेजिस्टेंस पे, जो भी यू लाइक में भी करेंगे हम। फिर नेक्स्ट जो शीट थी 41 नंबर शीट, ये मोबिलिटी के ऊपर थी, मोबिलिटी एनसीईआरटी में तो मुझे लगता नहीं है कि मोबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आएगा, बैटरी के ऊपर भी मुश्किल है क्वेश्चन आना। फिर जो नेक्स्ट शीट थी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ किरचॉफ लॉ पे थी, इंटरनल रेजिस्टेंस में ये किया था कि एक बैटरी की ईएमएफ अगर ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है,
तो उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ई माइनस आई आर होगा। ये डिस्कस किया था ई माइनस आई आर। तो उसके बाद रेजिस्टेंसेस सीरीज एंड पैरेलल किया था, कैसे सीरीज पैरेलल है, फिर किरचॉफ लॉ किया था जिसमें जंक्शन लॉ, इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट सेम, और जिसमें लूप लॉ, अगर करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नेगेटिव माइनस आई इंटू आर वन, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई डैश इंटू आर टू, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस आई इंटू आर थ्री, माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस ई वन। तो किरचॉफ लॉ ऐसे लगाना, ये बताया था कि अगर बैटरी में माइनस से प्लस ले जा रहे हैं तो प्लस ई वन, और प्लस से माइनस पे जा रहे हैं तो माइनस ई वन। तो ये कैसे लगाया किरचॉफ लॉ, इस शीट में सिर्फ ये बताया। फिर इंटरनल रेजिस्टेंस एंड बैटरी में कुछ ग्राफ प्लॉट किए थे कि ईएमएफ और रेजिस्टेंस में क्या ग्राफ है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में ईएमएफ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, ये इसके ऊपर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और स्मॉल सॉरी करंट के बीच में ग्राफ है। वी इज ई माइनस आई आर होता है, वाई इज एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके ये जो वैल्यू आएगी वो स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम वाई इज इक्वल टू एम एक्स स्ट्रेट लाइन आएगा। वी और आई में ये ग्राफ बनेगा, स्लोप इसकी माइनस आर बनेगी, ये भी हमने ग्राफ किया था। तो आज इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी करेंगे हम। नेक्स्ट है रेजिस्टेंसेस सीरीज एंड पैरेलल के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे, इसमें तो कोई क्या ही हेल्प करेगा, तो प्रैक्टिस है सीरीज पैरेलल की। इसमें जो नेक्स्ट था वो था बैटरी सीरीज एंड पैरेलल। बैटरीज में मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट बैटरी कैसे लगानी है, अगर सीरीज में है तो ई वन प्लस ई टू, और अगर पैरेलल में है तो, अगर पैरेलल में बैटरीज हैं तो फिर रिजल्ट ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू अपॉन वन बाई आर वन वन बाई आर टू। बस ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं इसके, स्टार डेल्टा हमने करना नहीं है। फिर हमने किया था स्लाइड वायर ब्रिज, स्लाइड वायर ब्रिज के न्यूमेरिकल्स किए थे जिसमें ये बताया था कि अगर ये 40 ये 60 एक्स अननोन और 6, एक्स डिवाइडेड बाय 6 इज 40 डिवाइडेड बाय 60, तो यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। जितने भी व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन है सारे ऐसे ही हैं, आर बाई एस इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई 100 माइनस एल। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आर और एस दो रेजिस्टेंस है, तो बैलेंसिंग पॉइंट जो है 60 सेंटीमीटर पे, तो ये कितना है 40, R by S is 60 by 40, और फिर R के साथ S के साथ हमने शंट लगा दी 5, सीरीज में 5 ओम लगा दिया, R S plus 5, तो मिड पॉइंट पे आ जाता है बैलेंसिंग पॉइंट 50 डिवाइडेड बाय 50। मतलब रूल वही रहेगा, P by Q is R by X वाला रूल रहेगा। तो जितने भी आप व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रॉब्लम देखेंगे वो एक ही कॉन्सेप्ट से सॉल्व है, सॉल्व होंगी कि रेजिस्टेंस की रेशियो और लेंथ की रेशियो बैलेंसिंग लेंथ सेम हो जाएगी। ठीक, व्हीटस्टोन ब्रिज के बाद जो नेक्स्ट जो मेन टॉपिक जो थोड़ा सा रिवीजन मांगता है वो है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर को देख लेते हैं। पोटेंशियोमीटर के अंदर ये पोटेंशियोमीटर है जिसमें ये ईएमएफ है, ये रियोस्टैट है, ये पोटेंशियोमीटर की वायर है जिसकी लेंथ एल है और रेजिस्टेंस आर है। तो मेरे को क्या करना है, जैसे एग्जाम्पल है मेरे को नीचे एक कनेक्शन गिवन है और मुझे इस सर्किट या कनेक्शन के अंदर कोई ये सर्किट गिवन है, मुझे इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मैं क्या करूंगा, जॉकी मूव करवाऊंगा ताकि जी की वैल्यू जीरो हो जाए, बैलेंसिंग लेंथ निकाल लूंगा। तो क्योंकि जी जीरो है तो इसका करंट इसमें रहेगा, इसका करंट इसमें रहेगा, तो इसका करंट क्या होगा, ई डिवाइडेड बाई आर एच डिवाइडेड बाई इसकी रेजिस्टेंस कितनी है स्मॉल आर, तो करंट की वैल्यू आ गई इसमें। तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ऊपर नीचे का सेम होगा बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या, जो यहाँ का होगा, और यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, आई आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ स्मॉल एल। तो I into resistance of length small l, ये रहा। तो I की value इसमें क्या है, E divided by RH plus R, ये I है, और इसकी resistance l length की कैसे निकलेगी, अगर total length capital L है तो resistance R है, 1 है तो R by L है, और अगर small l है तो ये resistance है। तो इस resistance को यहाँ put करेंगे तो potential difference की value आएगी। तो ये पता लगेगा potential difference proportional to balancing length L। तो rule समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई doubt इसमें?
देखो तो इसमें तीन एप्लीकेशन थी अगर आपको याद हो पोटेंशियल मीटर में। पहली एप्लीकेशन ये थी कि आप इसकी नीचे का सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, सेम ओल्ड मेथड कि आप गैल्वेनोमीटर रीडिंग को जीरो करते हैं, आप यहां का करंट निकालते हैं E डिवाइडेड बाय RH प्लस R, और फिर यहां का पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट I इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ स्मॉल l। तो रेजिस्टेंस वही, अगर टोटल लेंथ l है तो R है तो 1 है तो इतना, l है तो इतना, तो पुट करके आंसर। ये पहली डेरिवेशन है हाउ टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा, इसका मेथड करने की जरूरत नहीं है, कंपेयरिंग द ईएमएफ में पहले एक बैटरी लगती है ई1, बैलेंसिंग लेंथ एल1, ई2 की एल2, तो ई1 proportional to L1, तो E1 by E2 is L1 by L2। Next है internal resistance of a cell कैसे निकलती है। पहले आप अकेली बैटरी लगाएं, balancing length L1 निकाल लें, फिर बैटरी के साथ R भी लगाएं, तो V हो जाएगा V proportional to L2 निकाल लें, तो E by V is L1 by L2, तो internal resistance का ये formula E by V की जगह क्या put करेंगे, L1 by L2, तो यहाँ से R can be calculated। ये potentiometer की theory थी। potentiometer की theory के बाद potentiometer के कुछ numericals थे, तो उनमें से बेसिक न्यूमेरिकल ये थे कि अगर आपके पास दो बैटरीज लगी हुई हैं उल्टी एक सीधी, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस E1 माइनस E2, और अगर दोनों सीधी लगी हुई हैं तो E1 प्लस E2, E1 माइनस E2 का बैलेंसिंग लेंथ 120 है और E1 प्लस E2 की बैलेंसिंग लेंथ 300 है, तो E1 माइनस E2 प्रोपोर्शनल टू लेंथ बैलेंसिंग लेंथ L, तो 120, E1 प्लस E2 300, इन्हें डिवाइड करेंगे E1 और E2 कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये पहला प्रॉब्लम है। सेकेंड प्रॉब्लम भी कुछ कुछ ऐसी है, 5 वोल्ट की बैटरी है, रियोस्टैट है नहीं, तो दो ईएमएफ लगी हुई है, एक बार हमने सीधी लगाई एक बार ऑपोजिट पोलैरिटी की लगाई, तो बैलेंसिंग लेंथ 350 और 50 आ गई। तो जब हमने सीधी लगाई तो E1 प्लस E2 प्रोपोर्शनल टू 350, और जब उल्टी लगाई तो E1 माइनस E2 प्रोपोर्शनल टू 50। तो इन्हें जब हमने सॉल्व किया साइमल्टेनियसली E1 एंड E2 कैन बी कैलकुलेटेड, लेकिन हमें इसके लिए K चाहिए था। के लिए उसने कहा कि पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का 5 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, और टोटल लेंथ इस पूरे पोर्शन की 5 मीटर है, तो 5 वोल्ट बाय 5 मीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट है, तो जहां जहां के यूज होगा वहां वहां क्या पुट कर लिया हमने, 1 पुट कर लिया, तो यहां से E1 E2 की वैल्यू आएगी। के की वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी, दैट इज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट, दैट इज V डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द वायर L। सिमिलरली इसके अंदर ये क्वेश्चन है कि आपके पास ये पोटेंशियोमीटर है, ये रियोस्टैट है, ये 600 सेंटीमीटर है, ये EMF है, आपको इसकी वायर की रेजिस्टेंस 20 ओम गिवन है और लेंथ इसकी 10 मीटर गिवन है। अब आपको ये क्वेश्चन में गिवन है कि अगर अननोन EMF E 600 सेंटीमीटर पे बैलेंस होती है, तो पहले तो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालो क्या होगा और EMF E भी निकालो क्या होगी। देखो पहले इसमें गैल्वेनोमीटर रीडिंग 0 होगी, इसमें करंट पूरे का पूरा यहां से जाएगा, तो करंट क्या होगा 5 डिवाइडेड बाय 480 प्लस टोटल रेजिस्टेंस कितनी है 20, करंट आ गया। E नीचे और ऊपर सेम होगा, तो E इज इक्वल टू करंट I इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 600, तो यहां पे ओम लॉ लगाएंगे यहां पर, क्योंकि नीचे E ऊपर भी E, तो E इज इक्वल टू I इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 600, I हमारे पास है, रेजिस्टेंस 600 सेंटीमीटर के हम निकाल लेते हैं, अगर 10 इनटू 100 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस 20 ओम है तो 1 की इतनी है, 600 सेंटीमीटर की इतनी है, तो आप 600 सेंटीमीटर की रेजिस्टेंस को पुट करेंगे तो ईएमएफ कैन बी कैलकुलेटेड, तो E की वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट वही है इसका कि आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और कैसे आप अपने माइंड में बैठाते हैं। देखो कॉन्सेप्ट चाहे कोई भी न्यूमेरिकल उठा रहे हैं पोटेंशियोमीटर का, रूल वही लगेगा, नीचे की ईएमएफ ऊपर की ईएमएफ सेम, दैट इज करंट इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ 300 सेंटीमीटर। तो करंट किसी में ईएमएफ गिवन होगी, किसी में करंट नहीं गिवन होगा, किसी में आर नहीं गिवन होगा, बेसिक प्रिंसिपल पोटेंशियोमीटर का एक ही है कि नीचे और ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम करके ऊपर ओम लॉ लगा दें, दैट्स इट। तो ये सिर्फ प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस मतलब न्यूमेरिकल जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक ये पोटेंशियोमीटर नहीं आएंगे, मतलब अपने आप नहीं उड़ के आते कि कोई आएगा और बोलेगा और पोटेंशियोमीटर आ गया, ऐसा नहीं होता। बोर्ड से पहले आपको एक दिन ये करने ही पड़ेंगे, आज मन नहीं कर रहा होगा कोई बात नहीं, लेकिन बोर्ड से पहले मन भी करेगा, दिमाग भी चलेगा और ये समझ में भी आएगा, ठीक ठीक है, बाद में सिर्फ पछतावा ही होगा कि हमने पहले क्यों नहीं किया, हम कर सकते थे, ठीक। तो इसके बेस पे जो आज का हमारा काम है इलेक्ट्रिसिटी का, वो इस यूलाइक के पेपर में से, और फिर हम देखेंगे कि पेपर्स में क्या आया है लास्ट ईयर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर पहले तो थ्योरी
करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले तो थ्योरी, तो ये थ्योरी हमने अभी शीट्स की फॉर्म में रिवाइज की। ठीक, देखो नेक्स्ट है एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस। पहला क्वेश्चन है स्टोरेज बैटरी ऑफ कार हैज एन ईएमएफ ऑफ 12 वोल्ट। बैटरी की ईएमएफ 12 वोल्ट है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको 0.4 ओम गिवन है। व्हाट इज द मैक्सिमम करंट जो बैटरी में से निकलेगा? करंट मैक्स जब भी निकालना हो ईएमएफ को इंटरनल रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दें, मैक्सिमम करंट आ जाएगा। ठीक, तो मैक्सिमम करंट क्या होगा? ई डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है बैटरी जिसकी ईएमएफ 10 वोल्ट है, इंटरनल गिवन है, कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टर। करंट आपको सर्किट में गिवन है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस? तो करंट होता क्या है? ईएमएफ डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। ई पता है, आर पता है, आई पता है, कैपिटल आर कैन बी कैलकुलेटेड। फिर वो कह रहा है इसके अंदर टर्मिनल पोटेंशियल भी निकालो। टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है? वी माइनस ई माइनस स्मॉल आर, कैपिटल आर नहीं होता, ई माइनस आई इंटू स्मॉल आर होता है। तो हो जाएगा सॉल्व ये। नेक्स्ट है तीन रेजिस्टर्स 1 ओम 2 ओम 3 ओम सीरीज में है, तो एक के बाद एक सीरीज में, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? हो जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालनी है। अगर कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, तीन रेजिस्टेंसेस 12 वोल्ट के साथ कनेक्टेड है और इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी की है नहीं, पोटेंशियल ड्रॉप हर रेजिस्टर में क्या होगा? तो तीन रेजिस्टर्स बैटरी के साथ कनेक्टेड है, पहले टोटल करंट निकाल लो। टोटल करंट इज ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, इंटरनल तो है नहीं, एक्सटर्नल हमने ऐड कर ली, सीरीज में करंट आ गया। तो क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहेगा तो पहले रेजिस्टर में वोल्टेज क्या होगी? आई इंटू आर वन, आई इंटू आर टू, आई इंटू आर थ्री। तो वोल्टेज की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। नेक्स्ट जो है जैसे 3.5 एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर का मतलब 27 डिग्री सेल्सियस, रेजिस्टेंस ऑफ हीटिंग एलिमेंट इज 100, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट? अगर रेजिस्टेंस इज फाउंड टू बी 117 ओम्स, गिवन दैट टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द रेजिस्टेंस इज गिवन, अल्फा गिवन है। तो टेम्परेचर पता है T1, रेजिस्टेंस 100 से 117 हो गई, अल्फा गिवन है। R2 इज R1 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T, तो यहां से टेम्परेचर 1 पता है, टेम्परेचर 2 कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक, तो फॉर्मुला बेस्ड प्रॉब्लम है इसमें। जैसे निग्लिजिबली स्मॉल करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ 15 मीटर, तो वायर की लेंथ 15 मीटर गिवन है एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन है, लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है एंड रेजिस्टेंस की वैल्यू भी गिवन है। व्हाट इज द रेजिस्टिविटी? आर क्या होता है? रो एल बाय ए। रो क्या होता है? आर ए बाय एल, आर ए बाय एल। 3.7 सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5, ठीक, एंड 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द सिल्वर। टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस पता है, टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस पता है, R2 इज R1, 1 प्लस अल्फा इनटू T2 माइनस T1, यहां से अल्फा कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट जैसे एग्जाम्पल नंबर, इस ये प्रॉब्लम भी कई बार आ सकती है, 3.9। इसके अंदर पता है क्या करेगा? 10 by 5, 5 by 10, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है, तो आप इसमें शॉर्टकट लगा ही नहीं पाओगे, इसको उड़ा ही नहीं पाओगे। कहेगा हर ब्रांच में करंट निकाल लो, तो किरचॉफ लॉ करना पड़ेगा।
तो आई करंट आया, आई में से आई वन गया, आई माइनस आई वन आया, आई वन में से आई टू आया, आई वन माइनस आई टू आया, इधर से आई टू, इधर से आई माइनस आई वन मिल गए, आई माइनस आई वन प्लस आई टू, इधर से आई वन माइनस आई टू मिल गए, तो वापस आए। तो एक लूप ये ले, किरचॉफ लॉ, एक ये ले, और चाहें तो एक पूरी की पूरी ले लें, तो तीनों को सॉल्व करके आई वन आई एंड आई टू कैन बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ से करंट की वैल्यूज किरचॉफ लॉ से ही निकलेंगे, और कोई तरीका नहीं। ठीक है, यहां तक तो सीखना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। किरचॉफ लॉ घर जाके लगाना ही पड़ेगा एक बार। तो नेक्स्ट है, मीटर ब्रिज की प्रॉब्लम है कि अगर ये एक्स है ये वाई है, तो बैलेंसिंग पॉइंट 39.5 है पहले केस में, जब ये एक्स और ये वाई है, इसके अंदर वाई की वैल्यू गिवन है 12.5, कह रहे एक्स बताओ क्या होगा। तो सिंपल है, एक्स डिवाइडेड बाय वाई इज एल वन डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल वन। वाई आपको पता है, बैलेंसिंग लेंथ आपको पता है, तो यहां से एक्स कैन बी कैलकुलेटेड। पहला पार्ट क्लियर हो गया। फिर दूसरे पार्ट में वो ये कह रहा है, फाइंड द बैलेंस पॉइंट, अगर एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया, तो ये y हो गया, ये x हो गया, तो y डिवाइडेड बाय x इज न्यू बैलेंसिंग लेंथ L2 अपॉन 100 माइनस L2। y और x तो हम निकाल चुके हैं, यहां से L2 कैन बी कैलकुलेटेड। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। C पॉइंट है, व्हाट हैपेंस इफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज। तो एज द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज गैल्वेनोमीटर और इसको चेंज करोगे, तो उससे क्या होगा उस केस में, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन तो शो कर नहीं रहा था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें पहले भी करंट था, इसमें बाद में भी कोई करंट नहीं रहेगा, तो क्योंकि ब्रिज ऑलरेडी क्या है, बैलेंस्ड है। नेक्स्ट याद रखना कि अगर चार्जिंग, अगर डिस्चार्जिंग हो रही है, बैटरी खाली हो रही है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी का फॉर्मूला होता है ई माइनस आई आर, और अगर चार्जिंग हो रही है तो ई प्लस आई आर। ठीक है, यहां तक ये याद रखना, चार्जिंग के दौरान ये होगा। 3.13, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कॉपर कंडक्टर आर एस्टिमेटेड, एन गिवन है, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम गिवन है। हाउ डज एन इलेक्ट्रॉन टेक टू ड्रिफ्ट फ्रॉम वन एंड ऑफ द वायर 3 मीटर लॉन्ग टू द अदर एंड। तो वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट क्या है, आई बाई एन ए, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी है, टोटल वायर की लेंथ एल है, टाइम टेकन टी है, तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होगा, स्पीड, और स्पीड क्या है, वीडी बाय वीडी इक्वल टू आई बाय एन ए। तो यहां से टाइम कैन बी कैलकुलेटेड, एन पता है, ई पता है, एरिया, लेंथ और करंट सब कुछ पता है। ठीक, समझ में आ रहा है कि कैसे सॉल्व करना है इसे। ठीक, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कुछ प्रॉब्लम कैसे आ सकती है। ठीक, एडिशनल एक्सरसाइज में पहली प्रॉब्लम देखती पता लग रहा है कि आएगी नहीं, मतलब ऐसा मेरा मन कहता है आएगी नहीं, और मुझे लगता है आएगी भी नहीं, बड़ी अलग सी प्रॉब्लम है, तो इसको तो डिस्कस नहीं करेंगे। लिखे, अच्छा मेरे में तो लिखा है, कहाँ है, अच्छा ठीक है, एडिशनल, अच्छा मुझे पता नहीं, मैं तो शक्ल देख के बता रहा था, इतनी बड़ी कहानी कौन कौन ही डालेगा इसे, तो मैं तो इसको डिस्कस भी नहीं करता, छोड़ो, लिखा हुआ तो अच्छी बात है। ये करते हैं 3.16, टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो लेंथ वायर की एग्जैक्टली सेम है, एक एल्यूमिनियम है और एक कॉपर है, have the same resistance, तो resistance की value same है, which of the two wire is lighter, कौन हल्की है, किसका mass कम है, ये बताओ। तो अब rho पता है aluminium और copper का, और densities भी पता है, resistance क्या होती है, rho l by a, तो एक काम करते हैं, length और resistance दोनों की same है, तो rho 1 by a1 is rho 2 by a2, equate कर दिया, resistance को equate कर दिया ना, resistance और length दोनों की same है, तो rho for aluminium, area for aluminium, रो फॉर कॉपर, ए फॉर कॉपर, इक्वेट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एरिया की रेशियो आ गई, आपको इसमें रो तो पता ही है रेजिस्टिविटी, तो यहां से एरिया की रेशियो आ गई मेरे को, लेकिन किसकी रेशियो निकालनी है, मास की, मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, लेंथ लेकिन दोनों की सेम है, तो एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी, आपको एरिया की रेशियो पता है, डेंसिटी इस क्वेश्चन में आपको पता है, आंसर आ गया। तो कौन भारी होगा, कौन हल्का होगा, मासेस कैसे निकलेंगे, समझ में आ रहा है यहां तक, क्योंकि मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ, तो एरिया की रेशियो निकालने के लिए रेजिस्टिविटी की हेल्प ली आपने। ठीक है, तो आइडिया क्लियर है कि कैसे किया इसे, जैसे इसके अंदर वो कह रहा है कि क्या कंक्लूजन निकालते हो, एक अलॉय
मैगनिन को लेके, मैगनिन पे बहुत क्वेश्चंस है यार, ये तो आएगा पक्का, कुछ कभी ना कभी आ ही सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट है। इस पूरे ग्राफ में करंट वोल्टेज, करंट वोल्टेज, करंट वोल्टेज पता है, तो उसने क्या किया, वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट को डिवाइड करके रेजिस्टेंस निकाल लिया, और रेजिस्टेंस हर केस में सेम ही आ रही है, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू कांस्टेंट है। तो मैग्नेट की रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, इससे आप ये कंक्लूजन निकालोगे कि इसकी रेजिस्टेंस और हमेशा ज्यादातर कांस्टेंट रहती है, और इवन रादर ये भी एक प्रॉपर्टी याद करके लिखोगे कि मैग्नेट का अगर आप टेम्परेचर भी इंक्रीज करते हो तो भी इसकी रेजिस्टेंस बहुत जल्दी चेंज नहीं होती, इट ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ये इसकी खास बात है कि रेजिस्टेंस में चेंज नहीं आता इसमें, तो इसका एल्फा बहुत छोटा होता है, टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, ये प्रॉपर्टी याद रहेगी, तो ये लिख सकते हो इसमें, इसके बारे में। नेक्स्ट है कि अ स्टेडी करंट, कॉन्स्टेंट करंट फ्लोज इन अ मेटालिक कंडक्टर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन चेंज हो रहा है, करंट करंट जा रहा है, कौन सी क्वांटिटी कॉन्स्टेंट रहेगी, करंट, ऑब्वियसली करंट सीरीज में कॉन्स्टेंट होता है तो करंट तो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, करंट डेंसिटी, करंट बाय एरिया, क्योंकि एरिया चेंज हो रहा है तो करंट डेंसिटी चेंज चेंज होगी, कांस्टेंट नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड भी एरिया के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और ड्रिफ्ट स्पीड भी एरिया के ऊपर डिपेंडेंट होती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसलिए सब चेंज होंगे, बस करंट चेंज नहीं होगा। ठीक, बी पार्ट है, ओम लॉ यूनिवर्सली एप्लीकेबल फॉर ऑल कंडक्टिंग एलिमेंट, क्या सभी के लिए एप्लीकेबल है, नहीं एप्लीकेबल, एलईडीज, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, इनमें ओम लॉ एप्लीकेबल नहीं है, वी और आई का ग्राफ कभी स्ट्रेट लाइन नहीं आता था। अ लो वोल्टेज सप्लाई फ्रॉम विच वन नीड्स हाई करंट मस्ट हैव वेरी लो इंटरनल रेजिस्टेंस, वाई, क्योंकि करंट क्या होता है, ईएमएफ बाय इंटरनल रेजिस्टेंस, जितनी छोटी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी करंट उतना ज्यादा होगा, इसलिए इंटरनल रेजिस्टेंस को कम रखा जाता है। ठीक है, यहां तक। हाई टेंशन सप्लाई 6 किलो वोल्ट मस्ट हैव वेरी लार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस, वाई, जो हाई टेंशन होती है शुड हैव हाई इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस में हाई चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, इफ सप्लाई इज एक्सीडेंटली शॉर्ट सर्किट, अगर मान लो शॉर्ट सर्किट हो जाए ऐसी वायर का, दी सर्किट करंट विल बी एक्सीडिंग हाई विच में डैमेज दी अप्लायंसेस, मतलब होता क्या है कि जो करंट होता है वो ई डिवाइडेड बाय स्मॉल आर होता है, अब होगा क्या कि ई बहुत हाई रखा हुआ है, स्मॉल आर को भी हाई रखना पड़ेगा ताकि करंट ज्यादा ना एक्सीड हो जाए, क्योंकि अगर करंट ज्यादा हो गया तो आई स्क्वायर आर टी से हीटिंग इफेक्ट से अप्लायंस खराब हो जाएगा, तो इसलिए बहुत ज्यादा करंट ना आए इस वजह से आर को हाई रखा जाता है, तो जब करंट ज्यादा चाहिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस लो रखी जाती है, जब करंट कम चाहिए तो इंटरनल रेजिस्टेंस हाई रखी जाएगी, बस यही इसका आंसर है। चूज दी करेक्ट ऑल्टरनेटिव, अलॉयज ऑफ मेटल यूजली हैव रेजिस्टिविटी ग्रेटर की लेस देन दैट ऑफ देयर मेटल्स, ऑब्वियसली ग्रेटर, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, मैग्नेन की बढ़ गई थी, एलॉयज यूजली हैव लोअर की हायर टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस, लोअर, मैग्नेन का अलॉय का कम हो जाता है, द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय मैग्नेन इज नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज रेपिडली विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट, तो रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट, रेजिस्टेंस इंडिपेंडेंट होती है मैग्नेन की, इसका बहुत कम टेम्परेचर कोफिशियंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, कंडक्ट, एक इंसुलेटर कंडक्टर से कितनी बड़ी होती है, बहुत बड़ी रेजिस्टिविटी है, इंसुलेटर तो पास ही नहीं होने देता करंट को, कितनी हाई होती है, 10 की पावर 22, मतलब इतनी हाई होती है, बहुत ज्यादा हाई है, तो मतलब कुछ ज्यादा ही हाई है, 10 की पावर 22 बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू है, तो वो करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है, राइट। सीरीज पैरेलल का सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ नहीं करना है इसमें आपने। इनफाइनाइट नेटवर्क हमने किया था क्लास में, वो एक्स ले लेते थे तो क्वाड्रेटिक से सॉल्व करते थे, सेम इस क्वेश्चन के अंदर एक पोटेंशियोमीटर 2 वोल्ट की बैटरी और वो रेजिस्टेंस 0.4 ओम है और नीचे 600 किलो ओम कनेक्टेड है। पढ़ते हैं क्वेश्चन, फिगर शोज अ पोटेंशियोमीटर विद अ सेल ऑफ 2 वोल्ट दिख रहा है एंड रेजिस्टेंस 0.40 ओम दिख रही है, मेंटेनिंग पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर, ठीक है, स्टैंडर्ड सेल, एक सेल लिया नीचे विच मेंटेन्स अ कांस्टेंट ईएमएफ ऑफ 1.02 वोल्ट गिव्स अ बैलेंस 0.67.3, तो जब मैंने एक नीचे एक सेल, ये एक डायग्राम को नहीं देखना क्योंकि वो तो बात का डायग्राम है, वो कहता है एक सेल लिया
सेल ने बैलेंसिंग पॉइंट निकाल दी, तो ई वन लिया तो एल वन आ गया, ई वन भी गिवन है, एल वन भी गिवन है। फिर वो कहता है टू एंश्योर वेरी वेरी लो करंट ड्रॉन फ्रॉम द स्टैंडर्ड अ वेरी हाई रेजिस्टेंस 600 किलो ओम इज पुट इन सीरीज। कह रहा है बैटरी में से ज्यादा ही करंट ना निकल जाए, क्योंकि अगर ज्यादा निकल गया गैल्वेनोमीटर सड़ सकता है, तो बहुत हाई रेजिस्टेंस साथ में लगा दी ताकि कम करंट निकले। तो इस कहानी के बाद फिर एक नई कहानी लेके आता है, अ स्टैंडर्ड सेल इज देन रिप्लेस्ड बाय सेल ऑफ अननोन ईएमएफ ई एंड बैलेंस पॉइंट 82.3। तो पहले ई वन गिवन है, एल वन गिवन है, अब ई टू नहीं पता, एल टू पता है। तो कह रहे ई अननोन ईएमएफ क्या होगी, तो पहले अपने ई वन लगाया था, एल वन, ई टू लगाया, एल टू, एल वन पता है, एल टू पता है, ई वन पता है, ई टू अननोन ईएमएफ कैन बी कैलकुलेटेड। ये पहला आंसर है इसका। कहानी हालांकि बहुत लंबी है उसकी, क्वेश्चन अगर पेपर में आ गया पढ़ी नहीं जाएगी आपसे ये पेपर में, अगर ना कर रखी हो तो। पहला पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो ये तो मतलब इसमें 600 किलो ओम का एक ही काम है, करंट को रोक के रखने का बस, अदरवाइज ई वन इज प्रोपोर्शनल टू एल वन वाला सेम रूल है। फिर बी पार्ट है, वॉट पर्पज डज दी हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम हैव, ये क्या करता है, इसके करंट को करंट ज्यादा ना हो जाए इसलिए इसको कम करने की कोशिश करता है, ताकि करंट कम से कम बाहर आए। दूसरा आंसर भी क्लियर है। तीसरा, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस, कह रहे बैलेंस पॉइंट में फर्क आएगा, बैलेंस पॉइंट में कहता फर्क नहीं आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस ने करंट को कम निकाला, तो गैल्वेनोमीटर के अंदर से तो करंट जाता ही नहीं है, चाहे आप हाई लगाओ चाहे लो लगाओ, गैल्वेनोमीटर के अंदर तो कोई करंट जा ही नहीं रहा, तो क्या फर्क पड़ता है आप कितनी भी रेजिस्टेंस आगे लगा दोगे, तो इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है, वुड द मेथड वर्क, नहीं, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल, कह रहा है कि जो ड्राइवर सेल है पोटेंशियोमीटर का, अगर मैं इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कम या ज्यादा लूं तो इसका बैलेंस पॉइंट चेंज होगा, नहीं होता, इसकी रेजिस्टेंस से क्या लेना देना, इसका करंट अपना है, इसका करंट अपना है, तो इस जो भी नीचे ई है उसके कोरस्पोंडिंगली यहां ई डेवलप हो जाना है, तो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से इसका कोई अफेक्ट नहीं होगा बैलेंसिंग पॉइंट पे, नो अफेक्ट। नेक्स्ट है, वुड द मेथड वर्क, अब सिचुएशन में अगर ड्राइवर सेल जो है वो वन और दो, 1 वोल्ट का लें इंस्टेड ऑफ 2 वोल्ट, अगर ये 1 वोल्ट कर दें, हमने बैटरीज क्या यूज की, 1.02 वोल्ट की, और दूसरी कितनी आई थी, दूसरी वन इससे भी बड़ी आई थी, तो आप जो ड्राइवर सेल है उसकी ईएमएफ को मेजर्ड करने वाली ईएमएफ से कम नहीं रख सकते, ये काम नहीं करेगा। अगर ये ईएमएफ 1.02 है तो ये 1 वोल्ट कभी नहीं होगा, ये 1.02 वोल्ट से हमेशा ज्यादा ही होगा, तो ही काम करेगा। तो ड्राइवर सेल को तो करंट ड्राइव करना है, तो इसलिए इसकी ईएमएफ इन बैटरी से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, याद रखना यहां तक रिजल्ट, ड्राइवर सेल की ईएमएफ इनसे ज्यादा रखनी है। तब वो कह रहे हैं, वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमिनिंग एन एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ, कह रहे बहुत छोटी ईएमएफ को मेजर करना है तो पोटेंशियोमीटर काम करेगा नहीं करेगा, बहुत छोटी ईएमएफ में बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा छोटी, जो कि यहां जाके मिलेगी ए पे, तो मेजर कैसे करोगे इतनी छोटी लेंथ, तो थोड़ी बहुत ईएमएफ तो रखो ताकि बैलेंसिंग लेंथ मेजरेबल तो आए, बहुत छोटी ईएमएफ पे ईएमएफ मेजरेबल नहीं हो पाएगी, ये इसके पार्ट है।
देखो नेक्स्ट व्हीटस्टोन भेजा है, जैसे 3.24 पढ़ लो, तो ये एक फिगर है, शोज अ 2 वोल्ट पोटेंशियोमीटर यूज फॉर डिटरमिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ 1.5 वोल्ट सेल। तो कह रहा है कि बैटरी 2 वोल्ट की है, ये बैटरी 1.5 वोल्ट की है, हम इसके इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितनी है, 9.5 है। अब वो कह रहा है कि बैलेंस पॉइंट ऑफ अ सेल इन ओपन सर्किट इज 76.3। तो ओपन का मतलब जब मैंने इसके साथ कनेक्शन नहीं किया था तो 1.5 इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 76.3। जब मैंने इसके साथ ये रेजिस्टर लगाया तो यहां पर अब E थोड़ी ना रीड होगा, अब यहां पर क्या रीड होगा, V। एक बार अकेला सेल लगाया, अब सेल कनेक्शन कैपिटल R के साथ लगाया तो V, तो E प्रोपोर्शनल टू L1, V प्रोपोर्शनल टू L2। तो आपको E की वैल्यू पता है L1, आपको L1 L2 पता है, मतलब आपने जब अकेली बैटरी लगाई तो बैलेंसिंग लाइन पता है, तो आपने रेजिस्टर लगाया तो बैलेंसिंग लेंथ पता है, आपको कैपिटल आर भी पता है। तो एक फॉर्मूला आज हमने किया, L1 बाय L2 माइनस 1 इनटू आर। वो थर्ड एप्लीकेशन थी पोटेंशियोमीटर की, हाउ टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ बैटरी। तो सीधा फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दो ना, L1 L2 पता ही है, कैपिटल आर पता है, वैल्यू पुट करो, सीधा आंसर आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं। अंडर वॉट कंडीशन कैन वी ड्रॉ मैक्सिमम करंट? तो मैक्सिमम करंट क्या होगा, व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज जीरो। फिफ्थ है, अ वायर ऑफ रेजिस्टिविटी रो इज स्ट्रेच्ड टू ट्वाइस द लेंथ, व्हाट विल बी द न्यू रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, रेजिस्टेंस लेंथ के साथ चेंज होती है। रेजिस्टिविटी तो मटीरियल की होती है, एल्यूमिनियम की इतनी, कॉपर की इतनी, लेंथ पे डिपेंडेंट थोड़ी ना होती है, लेंथ छोटी बड़ी का कोई फर्क नहीं, रेजिस्टेंस का फर्क पड़ता है, रेजिस्टिविटी का नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट है ये, गलती हो सकती है रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के साथ कंपेयर करके, तो रेजिस्टिविटी मटेरियल पे डिपेंडेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है 7, अ फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जिसके एसआई यूनिट ओम मीटर है, क्या होगा? रेजिस्टिविटी, क्योंकि रेजिस्टिविटी रो क्या होती है, रो इज इक्वल टू आर ए बाय एल, ओम इनटू मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो ओम मीटर क्या होता है, रेजिस्टिविटी रो। नेक्स्ट है डिफाइन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी। 9th है, व्हाट डज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड टू 2 टर्मिनल ऑफ द सेल रीड? ईएमएफ की टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, क्योंकि बैटरी की कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस तो होगी, तो वो वी मेजर करके देता है, वो ई कभी नहीं मेजर करके देता। वेरिएशन ऑफ, ये मेरी असाइनमेंट में था, कॉपर की रेजिस्टिविटी का ग्राफ ड्रॉ करो और सेमीकंडक्टर की ड्रॉ करो, सेमीकंडक्टर की डिक्रीज हो रही है, कॉपर की इंक्रीज हो रही है। ठीक है यहां तक, तो ये वेरिएशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में टोटल रेजिस्टेंस 8R है, आपको टोटल रिंग की 8R है, तो आधी कितनी है, 4R और 4R है, तो ए और बी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी, 4R कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन से 2R आंसर आएगा। नेक्स्ट है ड्रिफ्ट फिलोसिटी एक्सप्लेन करो, हो जाएगी। 14th है राइट द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट फिलोसिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी। ड्रिफ्ट फिलोसिटी का फॉर्मूला जो हमने किया था वो था ई टाओ एम इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखेंगे, वी बाय एल। तो यहां से ड्रिफ्ट फिलोसिटी
इज वी वी बाई डी आर के हिसाब से वी बाई एल पुट करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वी बाई एल कैन बी कैलकुलेटेड. क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? ठीक. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17. टू कंडक्टिंग वायर्स एक्स एंड वाई, एक्स और वाई दो वायर्स हैं जिसका डायमीटर सेम है बट डिफरेंट मटीरियल्स आर ज्वाइंट इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी, यानी कि करंट दोनों में एग्जैक्टली सेम रहेगा. इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्स इज ट्वाइस दैट ऑफ वाई, तो यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एक्स में और वाई में डबल है, फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन टू वायर. तो करंट क्या होता है, देखो नंबर डेंसिटी एक्स की और वाई की डबल गिवन है, करंट दोनों में सेम होगा, वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट क्या होता है आई बाय एन ए, आई क्या होगा एन ए ई इनटू वेलोसिटी ऑफ ड्रिफ्ट. तो एक्स के लिए वाई के लिए इक्वेट कर दिया आपको, इसमें एरिया सेम गिवन है, एरिया काट दिया आपने ई से ई कट गया, तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशियो आ गई, ये आपको डबल गिवन है वाई से, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की रेशियो 1:2 आ गई. ठीक, तो करंट को इक्वेट करके आंसर आ जाएगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको करंट वर्सेस टाइम गिवन, वी गिवन है, आपको बताना है कि ये टेम्परेचर्स हैं, किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है किसकी कम है. आप इमेजिन कर लें, एक पॉइंट एक लाइन ड्रॉ करें, देखो ऐसे सीधी एक लाइन यहां ड्रॉ करें, तो वी इन दो पॉइंट्स के लिए एग्जैक्टली क्या आएगा सेम, लेकिन इसका करंट ज्यादा आएगा इसका करंट कम आएगा. अब जो जो रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, वी बाय आई, इसका करंट ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस कम है, इसकी रेजिस्टेंस कम है तो इसका टेम्परेचर कम है, क्योंकि रेजिस्टेंस कम है तो टेम्परेचर कम है, क्योंकि इसका करंट ज्यादा है तो इसकी रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है तो टेम्परेचर कम है, तो T1 less than T2 आंसर आएगा. ठीक है यहां तक. नेक्स्ट है टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ कॉपर अदर ऑफ मैगनिन, हैव द सेम रेजिस्टेंस, तो कौन सी वायर थिकर है, तो R क्या होता है रू एल बाई ए, फॉर सेम रेजिस्टेंस एंड लेंथ एरिया प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा रो, R अगर सेम है तो एरिया प्रोपोर्शनल टू रो, हेंस मैगनिन वायर विल बी थिकर बिकॉज रेजिस्टिविटी इज मोर, क्योंकि अलॉय बनने पर रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, तो यानी कि उस केस में उसका एरिया भी बढ़ जाएगा. तो राइट एन एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर, लिख लोगे रो इज रो नॉट 1 plus alpha into delta t. नेक्स्ट है वाई आर अलॉयज मैगनिन एंड कॉन्स्टेंटन यूज टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस कॉयल, क्योंकि इनका एल्फा बहुत ज्यादा छोटा होता है. ट्वेंटी सिक्स प्रॉब्लम तो क्लियर है, कार्बन रेजिस्टर्स के ऊपर है. ट्वेंटी सेवेंथ में टू स्टूडेंट्स ए एंड बी पिक अ रेजिस्टर 15 किलो ओम फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स. ए पिक्ड अ रेजिस्टर विद बैंड ऑफ कलर ब्राउन ग्रीन ऑरेंज, बी ने चूज किया ब्लैक ग्रीन और रेड, तो किसने करेक्ट किया, तो कलर कोडिंग देख के आपको रेजिस्टेंस बतानी है. उसी तरीके से इसकी रेजिस्टेंस बतानी है, इसकी रेजिस्टेंस में रो इंटू 2L बाय ए, इसकी रेजिस्टेंस में रो इंटू एल बाय 2A, इसमें एरिया डबल है इसमें लेंथ डबल है, हो जाएगा रेजिस्टेंस की रेशियो आ जाएगी. ठीक, तो फिगर को देखते हुए रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड. 30th भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 30th में वी और आई का ग्राफ है, याद है आज किया था टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ. टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में वो कह रहे हैं कि प्लॉट ऑफ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कॉम्बिनेशन ऑफ तीन सेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, तो एक सेल का क्या आएगा 2 वोल्ट आएगा. टोटल करंट कितना आएगा 1 एम्पियर, तो टोटल ईएमएफ बाय टोटल करंट क्या आएगा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस. तो तीन सेल्स हैं तो एक सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगी 2 ओम है. तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ईएमएफ आएगी टोटल डिवाइड बाय 3, तो ऐसी इंटरनल रेजिस्टेंस आएगी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल के डिवाइड बाय 3. ठीक है यहां तक. 31st है टू आइडेंटिकल सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ ई हैविंग नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद ईच अदर, व्हाट इज द करंट थ्रू द रेजिस्टेंस. अब जो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस तो है नहीं, स्मॉल आर तो जीरो है, तो आई क्या होगा ई डिवाइडेड बाय कैपिटल आर, बात खत्म. टोस्टर प्रोड्यूसेस मोर हीट देन अ लाइट बल्ब, टोस्टर में ज्यादा हीट आती है लाइट बल्ब के मुकाबले व्हेन कनेक्टेड टू पैरेलल टू टू द मेंस,
विच ऑफ द टू हैज अ ग्रेटर रेजिस्टेंस. अब रेजिस्टेंस किसकी ज्यादा होगी ये आपको बताना है. टोस्टर ने ज्यादा हीट प्रोड्यूस की, पावर या हीट वी स्क्वायर बाय आर. टोस्टर की पावर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, बल्ब की पावर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है. ठीक, तो वी तो सेम ही कहा, वोल्टेज सेम दी. 34th में, हीटर ज्वाइंट इन सीरीज विद 60 वॉट बल्ब इज कनेक्टेड टू द मेंस. तो एक हीटर ले लिया 60 वॉट का, नहीं, हीटर को 60 वॉट बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया. 60 इज रिप्लेस बाय 100 वॉट. विल द रेट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय द हीटर इज मोर लेस या सेम. अब मुझे पता है कि जो 100 वॉट का बल्ब होगा ना, उसकी रेजिस्टेंस पावर क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर. तो अगर पावर ज्यादा कर दी आपने, 60 की जगह 100 वॉट का बल्ब लगाया, तो रेजिस्टेंस आपने क्या की, कम कर दी. तो रेजिस्टेंस कम होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट डिक्रीजेस. रेजिस्टेंस होने से करंट इंक्रीजेस, तो हीट क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, तो हीट इंक्रीजेस. तो मतलब आपने जब पावर बढ़ाई, यानी कि आपने रेजिस्टेंस कम कर दी, रेजिस्टेंस कम होने से करंट बढ़ गया, करंट से हीटिंग इफेक्ट बढ़ गया. ठीक, थर्टी सेवेंथ में एक एक्सपेरिमेंट है. इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन द मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ इज एल. तो ये तो बस बता रहा है कि आर बाय एक्स इज एल बाय 100 माइनस एल. अगर रेडियस ऑफ द मीटर ब्रिज वायर को डबल करेंगे तो क्या होगा, तो रेडियस यूज कहाँ हो रहा है, लेंथ यूज हो रही है, तो रेडियस से कोई फर्क नहीं, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस. वॉट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरचेंजिंग पोजिशन ऑफ सेल एंड गैल्वेनोमीटर इन अ वीट स्टोन ब्रिज. तो सेल और गैल्वेनोमीटर को चेंज भी कर लोगे, कोई फर्क नहीं आएगा, द बैलेंसिंग लेंथ विल रिमेन सेम. रेजिस्टेंस की वैल्यू से चेंज होती है, गैल्वेनोमीटर की वैल्यू से चेंज नहीं होती. नेक्स्ट है, व्हाई इज पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड ओवर वोल्ट मीटर. क्योंकि पोटेंशियोमीटर जीरो नल मेथड यूज करता है. पोटेंशियोमीटर जब भी मेजर करेगा किसी भी वोल्टेज को, उसका करंट कभी भी विड्रॉ नहीं करता, बैलेंसिंग लेंथ उसकी जीरो हो जाती है, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग जीरो करके. वोल्ट मीटर जो भी सर्किट है उसका करंट यूज करता है, तो वोल्ट मीटर अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, गैल्वेनोमीटर क्योंकि करंट यूज नहीं कर रहा तो एग्जैक्ट सही वैल्यू देगा. ठीक, 2019 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन अभी कर लिया हमने. कार की बैटरी 12 वोल्ट की है, कार की बैटरी 12 वोल्ट की है, आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते, छोटे छोटे डेढ़ डेढ़ वोल्ट के 8 सेल यूज कर लो, ड्राई सेल्स जो 12 वोल्ट देते हैं, कार स्टार्ट नहीं होगी. क्योंकि जो ड्राई सेल्स हैं उनकी रेजिस्टेंस होती है इंटरनल बहुत हाई. इंटरनल रेजिस्टेंस हाई होने से सेल अपने अंदर से करंट निकालता है बहुत कम. कार को स्टार्ट करने के लिए बहुत हाई करंट चाहिए, जो ड्राई सेल निकाल नहीं पाते क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस उनकी बहुत ज्यादा हाई होती है. तो ये लिखना है. ओमिक और नॉन ओमिक का एग्जाम्पल पूछ रहे. ओमिक में ग्राफ क्या बनेगा, नॉन ओमिक में टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी ड्रॉ कर दो. ड्रॉ द ग्राफ शोइंग वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम. नाइक्रोम का मैंने शीट में बना के दिया था आपको, कॉपर नाइक्रोम रेजिस्टिविटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है. ये सब के सब जितने भी अब क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं सब डेरिवेशन वाले क्वेश्चन है सारे. ये सब डेरिवेशन है आगे. Why is connection between resistors in a meter bridge made up of copper strip? मैंने लिख के भी दिया था वैसे शीट के अंदर कि हम कॉपर स्ट्रिप से क्यों connections बनाते हैं. The connection between resistors in a meter bridge are made up of thick copper strip to ensure that resistance of these connections is negligible as compared to those which are to be measured. तो कॉपर की resistance बहुत कम होती है इसलिए वो contribute नहीं करता resistance में. Why is it generally preferred to obtain a balance point in the middle of the meter bridge? Middle में क्या होता है, 4 resistance almost equal होती हैं, तो वहां पर accuracy ज्यादा आती है. Center of the bridge पे जाके middle जो है balancing point बीच में आता है. तो इसकी values, क्योंकि हमने ये भी discuss किया था कि जो meter bridge है वो तब काम करता है जब resistance की value comparable होती हैं. अगर एक resistance बहुत high है एक बहुत low तो results अच्छे नहीं आते. तो ऑलमोस्ट इक्वल रेजिस्टेंस की वैल्यू बेस्ट रिजल्ट देती है मीटर ब्रिज में. सेम पोटेंशियोमीटर
बाकी इसके न्यूमेरिकल्स हैं। एक काम करो, अभी इस साल आया हुआ पेपर देखते हैं 2019 में क्या पूछा है इन्होंने। इसका प्रिंट आउट मैं नेक्स्ट टाइम दे दूंगा आपको, इसका प्रिंट आउट मैं नेक्स्ट टाइम दे दूंगा। आपने अब क्या एक नई बुक और लोगे इसके पीछे आप पुराने पेपर्स के लिए, तो 2 साल के पेपर प्रिंट आउट निकाल के दे दूंगा। एटलीस्ट 2 साल के पेपर तो करके जाने पड़ेंगे, हालांकि डिस्कस भी करूंगा, अपने हाथ में हमेशा लेके आने आइए, क्योंकि जैसे चैप्टर बढ़ते जाएंगे ये पूरा पेपर सॉल्व होता जाएगा। जैसे इस साल का पेपर जो कि थोड़ा सा पहले से पहले के मुकाबले थोड़ा मुश्किल माना गया, हालांकि मुझे पता नहीं मुश्किल है कि नहीं, उनके लिए जो डायरेक्ट याद करके जाते हैं उनके लिए मुश्किल था। ये सोच के गए हम तो डेरिवेशन कर जाएंगे और पास हो जाएंगे, बस पास ही पास हुए और कुछ नहीं हुआ उसका, एप्लीकेशन बेस्ड है ना। देखो ओपनिंग इलेक्ट्रोस्टैट्स ने की, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग बॉल्स ए एंड बी, ध्यान आगे 2 बॉल्स हैं माइनस क्यू 3Q और ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, तो चार्ज एवरेज हो जाएगा माइनस क्यू प्लस 3Q/2, कितना हो गया 2Q/2 क्यू एंड क्यू, तो फोर्स क्या होगी इनके बीच में बताओ, रिपल्सिव होगी आंसर पहला, ठीक है कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे तो एवरेज कर दो और फिर बता दो कि फोर्स इसमें रिपल्सिव होगी। दूसरा यूलाई का क्वेश्चन डाल दिया, शेल के सेंटर में चार्ज रख दिया बाय इंडक्शन माइनस क्यू प्लस क्यू, सिग्मा पूछ लिया हमने लास्ट टाइम किया था माइनस क्यू बाय 4πr1² प्लस क्यू बाय 4πr2², तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 2, अंडर व्हाट कंडीशन विल द करंट इन द वायर बी सेम व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज एंड इन पैरेलल। सीरीज में ऑब्वियसली सीरीज में करंट सेम रहेगा, पैरेलल में डिवाइड हो जाएगा आंसर, ठीक है मुश्किल है तो ठीक है, मुश्किल है ठीक है तो ठीक है, इतना तो जायज है, इतना मुश्किल पर तो ठीक है। अप्लाई गॉस लॉ टू शो दैट फॉर अ चार्ज स्फेरिकल शेल, ध्यान आगे चार्ज स्फेरिकल शेल, द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल इज एज इफ द एंटायर चार्ज वर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। देखो सीधी बात पूछ लेता, एक शेल के बाहर ई निकाल दो तो आप गॉस थ्योरम लगाते ई आ जाता। अब पता है क्या, इन चीजों से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फाइनल्स के, ये क्या पूछ लिया कि ऐसा अपीयर होता है कि चार्ज शेल के अंदर पड़ा हुआ है, लेट अस कंसीडर इट टू बी अ पॉइंट चार्ज, तो भी तो आंसर एग्जैक्टली पूछने तो जो पूछता है शेल के बाहर ई पूछा उसने सिंपल, बट बहुत लोग उस टाइम कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसका मतलब क्या था, बट थोड़ा हौसला रखना पड़ेगा और ई तो निकाल के ही आओगे, छोड़ के मत आना बस कुछ भी। पॉइंट समझ में आया यहां तक, तो सेम ही क्वेश्चन पूछा, ई के बाहर ई पूछ रहा है कि वो कह रहा है कि ऐसा लगता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से आंसर आ रहा है, सही है। मैंने हमेशा बोला शीट्स पे क्वेश्चन आते हैं, इस साल भी हर साल आता है पैरेलल शीट्स के अंदर ई निकालना बाहर ई निकालना, यू लाइक में हमने बहुत किया ऐसा। फॉर द सर्किट एज शोन इन द फिगर, एक रजिस्टर R1 एक R2, बैलेंसिंग लेंथ कैसे अफेक्ट होगी, पोटेंशियोमीटर आ गया, बैलेंसिंग लेंथ कैसे अफेक्ट होगी अगर मैं R1 को कम करता हूं, अगर मैं R1 को कम करता हूं तो मेरा करंट यहां का कम हो जाएगा, ठीक, तो I इंटू जो, क्योंकि अगर करंट कम हो गया तो I इंटू R का प्रोडक्ट भी कम हो जाएगा, तो जॉकी थोड़ी लेफ्ट मूव हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया ना इसमें ओम लॉ से, तो जॉकी लेफ्ट मूव करेंगे, तो रियोस्टैट की अगर वैल्यू बढ़ती है करंट कम होता है तो जॉकी लेफ्ट, अगर ऐसे तो करंट जीरो कर दोगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, जॉकी लेफ्ट मूव करती जाएगी, ठीक। लेकिन वो कहते अगर मैं R2 बढ़ा दूं, फिर अगर मैं R2 को इंक्रीज करता हूं तो अब उस केस में क्या होगा, अब R2 को इंक्रीज करने से पोटेंशियल ड्रॉप R2 का बढ़ जाएगा, तो नीचे का पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा तो ऊपर का भी बढ़ेगा, ऊपर का बढ़ेगा तो बैलेंसिंग लेंथ बढ़ानी पड़ेगी, नीचे जो भी अगर पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं अगर वो बढ़ गया तो वायर के क्रॉस भी बढ़ गया तो जॉकी राइट मूव करेगी, तो इसको बढ़ाएंगे तो जॉकी लेफ्ट मूव करेगी, इसको बढ़ाएंगे तो जॉकी राइट मूव करेगी। दूसरा, तीसरा, दी अदर वाई इज द पोटेंशियोमीटर प्रेफर्ड ओवर वोल्टमीटर, अभी डिस्कस किया था यूलाई का क्वेश्चन, नल मेथड यूज करता है अभी बताया था, आसान तो नहीं कहेंगे ये पेपर के अंदर, डायरेक्ट नहीं आया तो आसान नहीं है, एनसीईआरटी आसान वो मानती है कि बस जो मैंने किया था वो आ गया वो आसान है, बस ये डेफिनेशन है आसान की, अगर कुछ सोचना पड़ गया तो एनसीईआरटी मानती है कि ये एक लेवल ऊपर चला गया,
ठीक है ना, अब जो याद करके गया थ्योरी उसके बस का कहाँ यार, वो नहीं कर पाएगा। बट मेरी यही सजेशन है, आता हो ना आता हो छोड़ के नहीं आना। मैं आपको बता रहा हूँ इंक्रीज डिक्रीज कुछ तो लिख के आओ, लिख के आना उसे। बट इन्होंने एक चीज़ अच्छी की, इसके साथ इन्होंने व्हीटस्टोनबिज की थ्योरी का टॉपिक दे दिया और लगा दिया, चलो ये बढ़िया हो गया। पोटेंशियोमीटर या व्हीटस्टोनबिज का तो प्रूफ आता ही है, चलो थ्योरी का दे दिया, बच गए। ओके, पांच नंबर की के क्वेश्चन की हर किसी को वेट होती है क्योंकि वो डायरेक्ट आते हैं, पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ उन लोगों को जो ये वेट करते रह गए कि गॉस थ्योरम आएगी, सर ने कह के भेजा था एक पक्का आएगी। मैंने नहीं कहा भाई, मैंने आपको पूरे साल कोई कमिटमेंट नहीं किया आएगा, मैंने कहा कि आ सकती है पर इसमें गारंटी कोई नहीं, किस्मत सही होनी चाहिए। अब गॉस थ्योरम नहीं आई, कोई डेरिवेशन नहीं थी, पांच नंबर में उठा के न्यूमेरिकल डाल दिया। पता है कौन सा हमने जो शीट में किया था ना, कि एक बैटरी कनेक्टेड है कैपेसिटर के साथ, डायलैक्ट्रिक डाला निकाल लिया, और जब बैटरी डिस्कनेक्ट की डायलैक्ट्रिक डाला तो क्या होगा, देखो कैसे। व्हेन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ डीसी बैटरी, डीसी बैटरी एक्सप्लेन हाउ द कैपेसिटर गेट्स चार्ज्ड। चलो जी, पहले तो एक थ्योरी का क्वेश्चन डाला, चार्जिंग बताओ कैसे होती है। तो चार्जिंग टाइम के साथ इंक्रीज होती है, वैसे तो थोड़ा आउट ऑफ वो डाल दिया, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट वन माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाय आर सी वाला। खैर इसमें आर तो लेने को कहा भी नहीं उसने, तो हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो तो तब यूज़ करते हैं जब एक्सटर्नल की रेजिस्टेंस लेते हैं, इसमें तो नहीं ली। तो आप चार्जिंग का मैकेनिज्म बताओगे कि यहाँ से जो ये पॉजिटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देना, मतलब एक लाइन का एक नंबर का क्वेश्चन है। तो आप अपने वर्ड में जो लिखना चाहो लिख लो, ये इसलिए क्वेश्चन डाले जाते हैं कि कुछ भी लिखोगे तो एक नंबर तो वो आपको दे के ही जाएगा। अब चार्जिंग में क्या करोगे यार, बैटरी कनेक्टेड की इसने चार्ज लिया, यहाँ चार्ज दे दिया खत्म, और चार्जिंग में रह गया क्या, ठीक है। तो एक नंबर में तो अपने वर्ड में कुछ लिख के आना है, मतलब सोचने में बैठ जाना क्या लिखूं क्या लिखूं, कुछ किया तो है नहीं, कुछ भी लिखो यार, डायग्राम ड्रॉ करो, क्रिएटिविटी शो करो, डायग्राम ड्रॉ करो, बैटरी शो करो, चार्ज, मतलब एक ही नंबर मिलना है आपको, कुछ तो दे ही देगा। अब दूसरा पार्ट है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज टू अ वी वोल्ट बैटरी, ठीक है, सी को वी के साथ किया। आफ्टर सम टाइम बैटरी इज डिसकनेक्टेड, उड़ा दी बैटरी, एंड डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स इज डबल्ड, ये देखो डिस्टेंस को डबल कर दिया, बैटरी उड़ा दी। अब वो कह रहे हैं अब स्लैब को इंट्रोड्यूस कर दिया, अब डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के स्लैब को डाल दिया के, तो अब और वो भी के ग्रेटर देन वन लेस देन टू, क्या के की फॉर्म में आंसर निकालना है, वैल्यू दे नहीं रहा, डराने के लिए लिख दिया कि मतलब के इज ग्रेटर देन वन है, अब जो मर्जी ले 1.8 ले 1.2 ले उससे क्या फर्क पड़ता है, बस लेकिन एक बार तो उसको डर गया ना, इनइक्वालिटी आ गई, तो मतलब थोड़ा मेंटली बंदा हिल जाता है, इनइक्वालिटी आ गई यानी कि फ्रैक्शन होगा कुछ, तो कुछ नहीं है वो के है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो कैसे चेंज होगा, देखो आप बैटरी जब डिस्कनेक्ट कर दोगे तो चार्ज नहीं चेंज होगा क्योंकि बैटरी चार्ज देती है वो तो उड़ गई, चार्ज सेम रहेगा। कैपेसिटेंस पहले कितनी थी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी, चार्ज सेम रहेगा। अब कैपेसिटेंस क्या होगी, एप्सिलॉन नॉट के टाइम्स, डिस्टेंस की जगह डी की जगह टू डी। पोटेंशियल डिफरेंस पहले क्या था, ई इंटू डी, पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या होगा, ई डैश इंटू डी डैश की जगह टू डी। चार्ज क्योंकि सेम है तो सी डैश वी डैश इज सी वी, नई कैपेसिटेंस वी डैश की जगह ई डैश इंटू टू डी, पुरानी कैपेसिटेंस ई इंटू डी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया ई बाई के हो गया। वैसे हमने क्लास में ये किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने याद करवाया था, ऑब्जेक्टिव के लिए 1/k टाइम हो जाता है, सेम है। फिर कहता है सेकेंड पार्ट में एनर्जी बताओ क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, हाफ इंटू क्यू स्क्वायर बाय सी होती है, तो नई एनर्जी क्या होगी, हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी डैश हो जाएगी, तो डिवाइड कर लो इसमें एनर्जी, कैपेसिटेंस नहीं पता है पुरानी पता है, तो एनर्जी 1/k टाइम्स हो जाएगी। ये भी किया था हमने, एनर्जी 1/k टाइम्स है, मतलब ये थोड़ा सा उसने हट के क्वेश्चन दिया, बट इन एनी केस ये हमने शीट में किया हुआ है, तो आई होप कि आप ये लोग करके जाएंगे। फिर भी नहीं हटा, अब सी पार्ट और दिया, इसमें और दिमाग लगाना पड़ा, वी और एक्स का ग्राफ दिया, इसकी स्लोप क्या होगी, डी वी बाई डी एक्स, ई इज माइनस डी वी बाई डी एक्स, कह रहे कि ई का ग्राफ प्लॉट करो वी के ग्राफ की हेल्प से, किया था वैसे हमने शीट में, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है,
तो स्लोप पॉजिटिव है तो ई क्या बनेगा, ई इज माइनस डी वी बाई डी एक्स, और स्लोप कॉन्स्टेंट भी है तो ये ग्राफ बनेगा, स्लोप कॉन्स्टेंट है तो ई कॉन्स्टेंट हो गया ना डी वी बाई डी एक्स से। फिर उसके बाद वी की वैल्यू इस पोर्शन में क्या हो जाती है, जीरो जीरो, तो ई भी क्या हो जाता है जीरो, जीरो हो गया। फिर स्लोप क्या हो जाती है, नेगेटिव, तो माइनस डी वी बाई डी एक्स इज ई, तो स्लोप अगर नेगेटिव है तो ई पॉजिटिव है, लेकिन स्लोप कॉन्स्टेंट है तो ई की वैल्यू भी इसमें कॉन्स्टेंट, ये ग्राफ बनेगा। क्या बोलते हो, ठीक किया कि बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी थोड़ी सी, आपको भी लगता है? मुझे नहीं पता, मेरे को कभी नहीं लगता क्योंकि मेरे को तो चीजें याद रहती हैं, फिर भी मैं प्रैक्टिस में रहता हूँ। बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है, पर वैसे गॉस थ्योरम पिछले 10 साल से आ रही थी, 2019 में नहीं आई वैसे बता दूं आपको, आप जब मर्जी चेक कर लेना, आपको गॉस थ्योरम मिलेगी। तो उस मतलब उस बेचारे बच्चे के साथ तो धोखा ही हो गया ना, जो हर पुराने पेपर देख के गया और ये सोच के गया कि मेरे को भी सेम चीज आएगी और उसको ना आए, तो थोड़ा सा उसको फील हुआ कि ये मेरे साथ ठीक नहीं हुआ, ऐसा उनको लगा। हालांकि डालने वाले, बट एक चीज देखो ना, और में उन्होंने अच्छा किया, डेरिवेशन डाल दी, इलेक्ट्रिक डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, टॉर्क निकाल दो, पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, इलेक्ट्रिक डायपोल, ये तो ठीक किया, मतलब सेकेंड ऑप्शन उन्होंने ठीक कर दिया, डेरिवेशन डाल दी, सही है। इलेक्ट्रिसिटी का यार बड़ा कम आया इसमें, बस एक व्हीटस्टोन ब्रिज आया 3 नंबर का, कह रहा छुट्टी हो गई। ठीक, पॉइंट समझ में आया यहाँ तक? तो आप ये देख लो कि जब हम यूलाई कर रहे थे तो क्वेश्चन की रेंज देख रहे हो, ये वो डेरिवेशंस वाला पेपर नहीं है कि वो शीट्स याद की, बुकलेट याद की और चले गए, उससे सिर्फ पास हो सकते हैं। हाँ एक दो आएंगे पर लेकिन फंस सकते हैं, तो आपको यूलाई का पेपर और शीट जो मैंने आपको दी हुई है वो आपको साथ साथ पैरेलल चलानी पड़ेंगे, ताकि इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट समझ के जाना पड़ेगा, रट्टा ना मार के जाए।